शिमला में दिनहाड़े युवती से हुए दुष्कर्म को लेकर सोलन जिला कांग्रेस कमेटी सुर्ख नजर आई है। जिला कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश सरकार को जमकर कोसा और आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करने का भी दबाव बनाया है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शिव कुमार और शहरी कांग्रेस अध्यक्ष अंकुश सूद की अगुवाई में एक प्रतिनिधि मंडल ने उपायुक्त सोलन विनोद कुमार के माध्यम से राष्ट्रपति को दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि आज प्रदेश में बेटियां बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, उनके साथ छेड़छाड़ और दुष्कर्म के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई अमल में नहीं ला रही है। उन्होंने कहा कि शिमला जहां मुख्यमंत्री स्वयं रहते हैं, जहां आईजी मुख्य सचिव और होम सेक्रेटरी शिमला बैठते हैं, वहां पर सुरक्षा चाक चौबंद नहीं है। अपने सगे संबंधियों और पड़ोसियों के तंग करने के चलते हमीरपुर के धनेटा के समीप गांव भूली के प्यारे लाल का जीवन अंधकारमय बना हुआ है। प्यारे लाल की जमीन से लेकर घर पर भी पड़ोसियों ने कब्जा किया हुआ है, तो रोजगार के लिए भी लाले पड़े हुए हैं। प्यारे लाल ने पड़ोसियों पर कार्रवाई के लिए पुलिस से जिला उपायुक्त तक गुहार लगाई है, लेकिन आज दिन तक प्यारे लाल की सुनवाई कहीं नहीं हुई है, जिस कारण प्यारे लाल न्याय के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने के लिए मजबूर हो गए हैं। जिला के अंतर्गत आने वाले गांव भूली सुकड़े के निवासी प्यारे लाल ने बताया कि उनके पड़ोसी चाचा भतीजा उन्हें कई सालों से तंग कर रहे हैं। प्यारे लाल ने कहा कि वे कुछ साल पहले एक बेकरी की दुकान चलाते थे, उसे भी उसके पड़ोसियों ने बंद करवा दिया और अब तो बात यहां तक पहुंच चुकी है कि हमारी हर जगह पर अपना अधिकार जता रहे हैं, हम जहां जाते हैं वहीं गुंडागर्दी शुरू कर देते हैं। प्यारे लाल ने बताया कि हद तो तब हो गई जब डिपो से हमारे घर का राशन भी रुकवा दिया। इस परेशानी के बारे में कई बार गांव के प्रधान और डीसी के पास शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं हुआ है, जिसके चलते दोनों चाचा भतीजा अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। हमीरपुर के चौकी में बीजेपी प्रमुख कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस को सीख देते हुए कहा कि लोकसभा का चुनाव पूरे देश का चुनाव है, इसलिए पीएम मोदी का जिक्र करने पर कांग्रेस के नेता क्यों ऐतराज जता रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं से कहा कि अपने नेता का जिक्र करें, लेकिन इसमें कांग्रेस को पीड़ा नहीं होनी चाहिए। वहीं नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर दिए गए बयान पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि मुकेश की बातों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है और पार्टी के निर्णय को लेकर मुकेश को पूछने की बात नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी में हटाने और हटने की प्रक्रिया चली है, उसमें मुकेश अग्निहोत्री भी चपेट में न आ जाएं। वहीं सुरेश चंदेल के पार्टी से चले जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, क्योंकि चंदेल मेरे मित्र रहे हैं और अब वे पार्टी में क्या कर रहे हैं इसकी कोई जानकारी नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमीरपुर इकाई के कार्यकर्ताओं ने युवा मतदाता जागरूकता अभियान के तहत आज हमीरपुर बाजार तथा गांधी चौक में लोगों को मतदान करने के लिए प्रेरित किया। इसमें विद्यार्थी परिषद हमीरपुर इकाई के 30 से ज्यादा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसमें प्रांत संगठन मंत्री कौल नेगी, हमीरपुर विभाग संगठन मंत्री अरविंद, इकाई सचिव पुष्पदीप शर्मा, जिला संयोजक सचिन लगवाल, अनिल, अनुज, अशोक, अजय सरस्वती भी मौजूद रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हमीरपुर ने 1,00,000 पर्चे बांटने का लक्ष्य लिया है, ताकि हर घर में यह संदेश पहुंच सके कि प्रदेश में 100% मतदान हो। इसमें आज हमीरपुर बाजार में 2,000 पर्चे बांटे गए। इस दौरान गांधी चौक पर लोगों को प्रेरित करने के लिए सेल्फी पॉइंट भी लगाए गए। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर ने आज हमीरपुर जिला की
जनता को संबोधित किया। रामलाल ठाकुर ने नुक्कड़ सभाओं में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के राहुल गांधी को पप्पू बुलाए जाने पर कड़ा ऐतराज जताया है। रामलाल ठाकुर ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को नसीहत देते हुए कहा कि जयराम ठाकुर मेरे छोटे भाई हैं और विधानसभा में कई बार इकट्ठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर ऐसे बयानों से परहेज करें, अन्यथा आने वाले समय में मुश्किलें बन जाएंगी। वहीं हमीरपुर पहुंचे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि किसी भी बयान पर नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री और रामलाल ठाकुर को जवाब देने की जरूरत नहीं समझते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे मुकेश की बातों को गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है और पार्टी का निर्णय को लेकर मुकेश को पूछने की बात नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी में हटाने और हटने की प्रक्रिया चली है, उसमें मुकेश अग्निहोत्री भी चपेट में न आ जाएं।